हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप केमिस्ट्री में 90% कैसे लाएं। तो इस वीडियो में हम पूरे प्रोसेस की बात करेंगे कि जो आने वाले 3 महीनों में आप अपनी केमिस्ट्री कैसे स्ट्रांग कर लें। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि केमिस्ट्री आपकी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू मैथ और फिजिक्स। जैसा कि आप जानते होंगे, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री है वो 19 मार्क कंटेन करता है, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 28 मार्क कंटेन करता है, और जो इनऑर्गेनिक है वो 23 मार्क के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आप फिजिकल केमिस्ट्री के जो 19 नंबर हैं वो आप कैसे लाएंगे। इसमें से आप जानते होंगे जो 10 नंबर हैं वो तो आपके न्यूमेरिकल होते होंगे, तो अगर बस आप जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल रहेगा और एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो ये मेरी गारंटी है जो आप 10 नंबर वो आपके कहीं मिल जाएंगे। और बाकी के जो 9 नंबर है, अगर आप एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़े रहेंगे तो 7 नंबर तो मिनिमम वहाँ से आप लेते आओगे। तो कुल मिला के आप फिजिकल केमिस्ट्री से 19 में 17 तो आसानी से लेते आओगे। रही बात आपकी इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक का जो 23 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप पूरा एनसीईआरटी पढ़े रहोगे तो वो 23 नंबर एक नंबर आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि इनऑर्गेनिक का डिट्टो वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या करना है, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है वो पढ़ लेना, और साथ साथ जितना मैकेनिज्म होगा, और एनसीईआरटी में जो सैंड मेयर रिएक्शन ऐसे करके जितने भी रिएक्शन दिए होंगे आप उनको पढ़ लेना, और खास करके आईजीएससी नेम, बाकी वो जितने भी रहेंगे उनको आप पढ़ लेना। फिर पूरा अगर आपका ये केमिस्ट्री इतना पढ़ लोगे तो फिर आप क्या करना, कम से कम 15 दिन अपने लिए टाइम निकाल लेना, और 15 दिन में पूरा एनसीईआरटी एक बार रिवीजन कर लेना। इतना कर लो तो आपका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और आपके लिए हम कह दे रहे हैं कि एनसीईआरटी सफिशियंट है, फिर से सुन लीजिए, एनसीईआरटी सफिशियंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया और 1-2 नंबर, एक मुश्किल से मुश्किल 2-3 नंबर का बस इधर उधर होता है, नहीं तो आपकी पूरी केमिस्ट्री एनसीईआरटी से आती है। इतना आपका प्रिपेयर हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा कि मॉडल पेपर ले लीजिएगा, कम से कम 10 प्रीवियस ईयर 10 मॉडल पेपर सॉल्व कीजिएगा। देखिए, मॉडल पेपर सॉल्व करने का क्या बेनिफिट है, मॉडल पेपर आप सॉल्व करेंगे तो कम से कम आपको आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम के टाइम में बहुत हाई रहेगा। अगर आपका पूरा एनसीईआरटी अच्छे से तैयार रहेगा तो आप मॉडल पेपर का क्वेश्चन लगाएंगे तो 70-80% तो आप उतना तो दिमाग रहेगा, वहीं से आपका कवर हो जाएगा। और फिर जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, वो आप वहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आपका पूरा केमिस्ट्री अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। और पूरा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर 10 मॉडल पेपर आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी 90% से ऊपर, 101% है कि आप 90% से ऊपर ला देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस केमिस्ट्री का था। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पूरा इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप फिजिक्स की भी चाहते होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपको मिलेगी। तो ये पूरा प्रोसेस था कि केमिस्ट्री में आप कैसे 90% लाएं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।